रूस के प्यूटन, तुर्की के सदर उर्दगान तेहरान पहुंच गए और सदर ईरान के साथ इलाकाई सियासी हालात पर सर जोड़ कर बैठ गए हैं। बज़ाहिर ये शाम में होने वाली तवील जंग से मुतालिक मुलाकात है, लेकिन दरपर्दा ये ईरान और रूस पर मगरिब पाबंदी का तोड़ करने के लिए तरीक़ेकार तलाश करने की कोशिश है। ईरान तमाम तर पाबंदियों और मुसलसल जंग के बावजूद अपनी आलमी हैसियत बावकार और बरकरार रखने में कामयाब है। वो इराक और शाम के अलावा मशरे के उस्ता की कई बिलावास्ता जंग में शरीक होने के बावजूद कोई दावा नहीं करता। वो अपनी फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज होने का भोंडा दावा भी नहीं करता। ना वो फौज की सियासत में दखल अंदाजी को अपना सियासी मैार रखता है। ना उसने कभी 17 दिनों जंग को पूरी कौम पर एहसान जताकर काबिज रखने की कोशिश की। बस कौम और मुल्क है और अवाम है, खामोशी से आगे बढ़ रहा है। अमरीकी खुफिया ज़रायों के मुताबिक रूसी सदर का दौरा ईरान से जदीद तरीन ड्रोन खरीदना है। इस तरह ईरान की मईशत को भी सहारा मिलेगा और रूस को यूक्रेन जंग में अमरीकी ड्रोन के मुकाबले का ड्रोन भी मिल जाएगा। सदर बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सॉलोवन ने बताया कि हमारी खुफिया रिपोर्ट बता रही है कि प्यूटन का दौरा खालसन ड्रोन की हसूली के लिए है। रूस अपने बनाए हुए पुराने असले यूक्रेन जंग में झोंक चुका है और टर्क से घूमते फिरते उड़ने और दूर तक मारने वाले मिसाइल ड्रोन अमेरिका से पहुंचते हैं। यूक्रेन ने रूसी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान एक अशे से जदीद ड्रोन बनाने में मसरूफ है। ईरान ने भी लबनान के हिज़्बुल्लाह को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है, जो एक तरफ इसराइल के खिलाफ तो दूसरी तरफ सऊदी अरब यमन जंग में यमन की मदद के लिए काम कर रहे हैं। रूस के पास ड्रोन मौजूद है, लेकिन हर किस्म के नहीं और उन्हें ज़रूरत है। शुरू में रूस ही जैमिंग डिवाइस और काउंटर ड्रोन ने यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन यूक्रेन को अमरीकी और तुर्की से इमदाद मिलने के बाद हालात में तब्दीली आ गई। ख़ास तौर पर यूक्रेन को खुफिया ड्रोन मिलने के बाद यूक्रेन ने बहुत सारे रूसी ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की इमदाद करने वाले इत्तेहादियों का मुसलसल अमरीका पर इसरार है कि इस नाजुक वक्त में यूक्रेन की हर तरह मदद की जाए। रूस जंग जारी रखे हुए है, मुसलसल असले के ढेर से नए नए तजुर्बे कर रहे हैं, लेकिन ईरानी ड्रोन से वो इस नुकसान से बच सकते हैं जो यूक्रेन की खुफिया मालूमात की सलाहियत रखने वाले ड्रोन से उन्हें हासिल नहीं। रूस सैकड़ों ड्रोन अब तक जाया कर चुका है, लेकिन उनके बेशतर ड्रोन सही ठिकानों के बजाय इधर उधर निशाना लगाकर तबाह हो चुके हैं। रूस खुद भी अपने मुल्क में जदीद ड्रोन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए वो अब यूक्रेन को मिली हुई मगरबी इमदाद के बाद बेअसर हो रहे हैं। रूस अब अपने लिए इत्तेहाद तलाश कर रहा है। अमेरिका के जवाब में उसे भी तिनके का सहारा दरकार है। रूसी अपनी आवाम को यूक्रेन में होने वाले नुकसानात और तबाही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और मगरबी आज़ाद मीडिया पर भर भर की खबरें रूसी आवाम को पहुँचा रहे हैं। रूस और ईरान बहुत खामोशी से ये सौदा कर रहे हैं। रूस की सरकारी तर्जुमान बार बार इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि रूस कोई असला ईरान से खरीद रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक प्यूटन का ये ईरान का दौरा शाम और मशरक वस्ता की सियासी सूरतेहाल के हवाले से है और वो अपने ईरानी हुकूमत से ड्रोन हासिल नहीं करेंगे। ईरान ने भी रूस के साथ फौजी तआवुन के लिए बहुत मोहतात अल्फाज में बयानात को महदूद रखा हुआ है। गुज़िश्ता मंगल को ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान नासिर किनारी ने अपने बयान में बताया कि ईरान और रूस के दरमियान फौजी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अब तक वाज़े नहीं है कि रूस किस खास किस्म के ड्रोन के लिए ईरान से बातचीत कर रहा है। गुज़िश्ता महीनों में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर पर शाम और इराक में कई अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है जिन ड्रोन से हमले हुए हैं। अमरीकी दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि ये ईरान ने खुद अपने मुल्क में बनाए हैं।